मम्मी खाने को तो बहुत जोरों की भूख लगी है, पेट में चूहे दौड़ रहे। जी मेरा मतलब ये जी सुनते हो? अरे हुआ क्या? अरे क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही हो? अरे मेरे के पेट में चूहा है, चूहा। क्या पेट में चूहा है? अरे पापा मेरा कैसे? अब कैसे हुआ, छोड़ो जाके उसका मुंह बंद करो, चूहा भाग नहीं रहा पाए। हाँ रुको, इस चूहे को पकड़ता हूँ। अरे पापा मेरी बात सुनिए। अरे अरे नहीं, चिंता मत कर, चिल्ला मत, चुप चुप चुप, चिंता मत कर बेटा, ये चूहा निकल ना पाए, इस चूहे को तो तड़पा तड़पा के मारेंगे। मेरे बेटे को किसकी नजर लग गई? लोगों के पेट में बच्चा होता है, मेरे बच्चे के पेट में चूहा है। ए, क्या बकरी है, लड़का है ये? जल्दी से डॉक्टर को फोन करो। हाँ अभी लगाती हूँ। देखिए आप अपना इलाज किसी अच्छे डॉक्टर से करेंगे। हेलो हेलो डॉक्टर हरिपत्ती। अरे डॉक्टर हरिपत्ती को फोन लगाने की क्या जरूरत थी, और कोई डॉक्टर नहीं है क्या? अरे किसी भी डॉक्टर को बुलाने से क्या हुआ? हेलो। अरे बाबे जी बताइए, और क्या हाल चाल? हमारा छोड़िए, आप अपना बताइए। आप पहले बताइए। नहीं नहीं पहले आप। नहीं आप पहले बताइए। आप बताइए ना। नहीं नहीं आप। नहीं नहीं आप बताइए। पहले आप। आप पहले बताइए ना। ए रानी विक्टोरिया क्या कर रही है, जल्दी से बुला डॉक्टर को। मेरे बेटे के पेट में चूहा घुस गया, उसके लिए मैं परेशान हूं, उसके लिए मैं आपको फोन किया था, आप जल्दी से आ जाइए मेरे घर। क्या बोली? चलो घर में जाके पता कर लेता हूँ। तो डॉक्टर साहब अब मैं क्या करूँ? ये तू किसी और से दिखा। तुझे बचपन में बार बार मना करता था कि कागज मत खा मत खा मत खा, देखा ना, अब उसी कागज को खाने के लिए चूहा तेरे पेट के अंदर घुस गया। हेलो बाबू जी मैं आ गया। कौन है? डॉक्टर साहब आइए आइए। अरे डॉक्टर साहब आइए आइए, देखिए ना मेरे बेटे को क्या हो गया है। हाँ हाँ तो क्या हो गया आपके बच्चे को? देखिए हुआ क्या, मैंने आपसे पूछा? नहीं तो मैं इनसे पूछ रहा हूँ, तो इनको बताने दीजिए, आपकी जब बारी आएगी मैं आपसे पूछूंगा, तब तक चुप रहिए, मैं इनको बताने दीजिए। हाँ तो भाभी जी बताइए। देखिए भाभी जी रोइए मत, रिलैक्स होके बताइए, पूरा आराम से आराम से। अरे ये हेलो क्या है, आज सुबह से परेशान कर दे हो यार, पापा बोल लाइफ इंश्योरेंस नहीं चाहिए, अगले और 150 साल तक जीऊंगा मैं। थोड़ा खमा खमी भी मतलब कुछ कोई भी फोन कर देता बिना मतलब का। हाँ तो बताइए। oh, no! फोन भी कभी कभी मन करता है फोन ही तो है, याद आता है अपने ही पैसे से खरीदा है। हेलो क्या हुआ? क्या नौ नंबर वाला पैसा मरने वाला है? एक मिनट, उसके फैमिली वालों ने पैसे दे दिया? हाँ हाँ तो मरने दो मरने दो, आराम से मरने दो, नहीं मरता है तो चाकू घोप के मारो। oh, no! बहुत परेशान किया है उस पैसे ने। हाँ ठीक है। हाँ तो बताइए। देखिए हुआ क्या था, मैंने आपसे पूछा? नहीं सॉरी। तो मैं उनसे पूछा तो उन्हें बताने दीजिए ना। अरे वो नहीं बताएगी, मैं बताता हूँ ना, मगर मैं तो भाभी जी से ही सुनूंगा। हाँ तो भाभी जी बताइए। आला अड़ियार कहीं का। देखिए भाभी जी रोइए मत, एकदम रिलैक्स हो जाइए, एकदम रिलैक्स 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 और थोड़ा रिलैक्स और थोड़ा रिलैक्स। हाँ गुड, तो अब बताइए। मेडी के पेट में चूहा घुस गया है।
ओ अच्छा अच्छा चूहा घुस गया। क्या चूहा घुस गया कैसे? मतलब आपको कैसे पता चला कि पेट में चूहा घुस गया? बेटी जब खेल गया उसने मुझे बोला कि मम्मी मम्मी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, खाने दो, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अरे यार कहीं मैं गलती से पागल खाना तो नहीं आ गया? डॉक्टर साहब क्या सोच रहे हैं, कुछ तो बताइए क्या करें। रुकिए ये लीजिए, ये क्या है? ये चूहे मारने का जहर है। ओह नो। अरे आप अपने बच्चे को खिला दीजिएगा, इससे जो अंदर में चूहा है ना वो मर जाएगा, ठीक है? अच्छा अच्छा इससे ये ठीक हो जाएगा? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका बच्चा, और अगर थोड़ा बच भी जाए तो आप दोनों खा लीजिएगा।